राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में, मतलब IRFC शेयर के लिमिटेड के बारे में। 6565 रुपये से लेकर के 229 की बेहतरीन तेजी एक साल के अंदर देखने को मिली। 52 वीक का लो और 52 वीक का हाई, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मोटी मोटा देख समझ में आ जाएगा कि लगभग 4 गुने का रिटर्न इसने दिया। देन उसके बाद वहाँ से तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग समझ लें, करेक्शन समझ लें, या जो कुछ भी समझ लें आप, समझना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वैसे भी मैंने पुराने वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूं मैं, तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं या देखे होंगे उन्हें इसके बारे में कुछ जानकारियां तो होंगी ही। जो नए लोग हैं, नए देखना देख रहे हैं, उनके लिए भाई थोड़ा ये नया लग सकता है। तो चलते हैं इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, साथ साथ मेंबरशिप भी, उसके लिए उससे आपको थोड़ा बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये है IRFC का चार्ट, बिल्कुल फुल्ली डाउन ट्रेंड में है। चैनल से जुड़े हुए लोग, ये वाला जब टाइम था जून जुलाई वाला, तभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा गया था और ये भी कहा गया था साथ साथ इसमें नई एंट्री ना लें अब। तो जो लोग उस समय से जुड़े हैं वो लोग जा करके लाइव सेशन के वीडियोस या उस समय के वीडियोस एक बार देख करके तुलना कर लें, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी बिल्कुल IRFC से दूर रहना है। IRFC में बाइंग 185 रुपये के बाद, उसके पहले किसी भी प्रकार की कोई बाइंग नहीं है मेरे हिसाब से। आप बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे, ठीक है। ये है 180 रुपये, अरे 185 रुपये के ऊपर जाने के बाद ही IRFC में कोई नई बाइंग होगी, वो भी मिड टू शॉर्ट टर्म के लिए वाली। लॉन्ग टर्म के लिए IRFC में कोई बाइंग नहीं है अभी, जब तक यह 80 से 60 रुपये के आसपास ना आ जाए। तो इस बात का ख्याल रखें, 60 से 80 रुपये के आसपास आने के बाद ही आप इसके बारे में लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अमूमन लोग थोड़े हैवी क्वांटिटी के साथ जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए अवॉइड करिए, IRFC से दूर रहिए, लेवल याद रखिएगा, नहीं तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ जाएंगी। धन्यवाद, राम राम।